यूपी में एक और बड़ी भर्ती को लेकर के यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया गया है। एनएचएम यूपीसीएचओ रिक्वायरमेंट 2021 में स्वास्थ्य विभाग में जो है 2800 पदों पर जो है ट्रेनिंग नर्सों की भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट दोस्तों कब से स्टार्ट होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कैसे अप्लाई करना है कि वेबसाइट पर जाकर के सारी जानकारी आपको इस डिवाइस में वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों वीडियो में बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूले। साथ ही पहली बार विजिट करें चैनल को तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करके रखें ताकि इसकी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों आप यहां देख पा रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ पत्रिका जो कि एक बड़ी पत्रिका है न्यूज की, तो यहां पे आप देख पाएंगे दोस्तों डेट जो अगर मैं आपको यहां पे दिखा दूं तो सैटरडे 19 जून का है और 8:16 PM यानी कि रात के 8:16 पे ये पोस्ट डाली गई है जिसमें बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में 2800 ट्रेनी नर्स पदों के भर्ती की जाएगी। पूरी डिटेल देखिए इसमें देखते हैं। सो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक भी मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे रखा है, उसे आप वॉच कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसे NHM डायरेक्टली कहते हैं, यहाँ पे नेशनल हेल्थ मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश नर्सों के लिए कम्युनिटी हेल्थ में जो है यहाँ पे 6 माह के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए 2800 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत ट्रेनिंग सत्र 21-22 के लिए 6 माह के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। UPENHM नर्स भर्ती जो है का नोटिफिकेशन अभ्यर्थी UPENHM की वेबसाइट UPENRHM.gov.in पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आगे जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिखाने वाला हूँ और आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे कहाँ पे डाला गया है उसमें आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में पूरी डिटेल आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियाँ, अब मैं आपको बता दूँ कि ये आवेदन तिथि जो है किस तारीख से स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि जो है 17 जून 2021 बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि जो है 30 जून 2021 यानी कि दोस्तों इसी ही महीने के लास्ट 30 जून से आपका यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। डेट यहाँ पे याद रखेंगे 30 जून 2021। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई 20 जुलाई 2021 यानी कि यहाँ से आपको 20-21 दिनों का टाइम मिलेगा जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से इसे संपूर्ण करना है। तो जो है ये डेट आपको याद रखना है कि 30 जून को जो है नर्सों की पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यह कोर्स आयुष्मान भारत के तहत शुरू किया गया है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश सरकार उप स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूती देने की कोशिश में है। इस कोर्स को सफलतापूर्व पूरा करने और परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को CHO के रूप में आने वाले समय में नियुक्ति दी जाएगी। फाइनली दोस्तों यहाँ पर अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पे देखिए बताई गई है 35 वर्ष। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें जो है GNM या BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, साथ ही UP नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ये विशेष ध्यान आप यहाँ पे देंगे। शैक्षिक योग्यता में GNM या BSc नर्सिंग का कोर्स या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग का कोर्स आपका जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, साथ ही UP नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। भर्ती की नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताई गई है। हाँ दोस्तों यहाँ पर आज तक की जो है वेबसाइट पर भी इसी पोस्ट को शेयर करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि आशा योग्यता, इसमें देखिए विशेष ध्यान देंगे कि आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यहाँ देख सकेंगे जनरल नर्सिंग का, उसके बाद BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही देखें इसके अलावा उम्मीदवार के पास UP नर्स और मिडवाइफ काउंसलिंग से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्टर होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद NHM UPCSO भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करना होगा आपको, तो योग्य उम्मीदवार 30 जून से 20 जुलाई तक जो है यहाँ आधिकारिक वेबसाइट UPENRHM.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों फाइनल दोस्तों वेबसाइट को यहाँ पर मैंने अपने ब्राउजर में ओपन कर लिया है। अभी देखते हैं UPENRHM.gov.in, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कोविड को चल रहे, तो यहाँ पे इसे हम क्लोज कर देंगे।
अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके इंटरफेस आ जाता है। इसे हम डेस्कटॉप साइड में ऊपर करके रखेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन है, आप यहाँ पे देख लेते हैं NHM के माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे दोस्तों, जो नोटिफिकेशन अपडेट की गई है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और इसी साइड पर ही आपको न्यू करके अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 30 जून को, ठीक है। उसके बाद अपडेट देखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जो नोटिफिकेशन जारी की गई है दोस्तों आपको इसी वेबसाइट से जारी की गई है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस मैं अपने को जो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करना होगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें पहला ऑप्शन मिल जाता है रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2800 वैकेंसीज ऑफ CSO डिटेल एडवर्टाइजमेंट शैल बी अपलोडेड शॉर्टली। तो यार जी जून 17 जून को ये जो है न्यू करके जो है इस वैकेंसी को यहाँ पे नोटिफिकेशन डालेगी। इसका PDF फाइल दोस्तों आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है PDF फाइल डाउनलोड जाएगी स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल्स 2800 वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद इसमें सब कुछ बताया गया है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, हाँ डेट भी बताया गया है, यहाँ पर स्टार्ट डेट 30/6/2021 ठीक है, 11 सुबह 11 बजे से 30 जून को स्टार्ट हो जाएगा और ये 20 जुलाई तक चलेगा दोस्तों, रात्रि तक 20 जुलाई रात्रि तक चलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यही रहेगा दोस्तों, और जितने भी योग्यताएँ बताई गई हैं सब आपको देखिए यहाँ पर भी बताई गई है, योग्यताएँ वगैरह BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें दोस्तों, साथ ही पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।